न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की मुख्य समाचारों में यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर आज की बेहद बड़ी खबरें आ रही हैं। बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, पूरे भारत में यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 17 मई तक पूरा भारत बंद रहने वाला है। इसको लेकर क्या क्या खबर आ रही है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को फाइनली बंद कर दिया गया है और कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर खोल दिया जाएगा लॉकडाउन के दौरान, आपको बताएंगे एक एक डिटेल। वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें कि यहाँ पर रेल सेवा, मेट्रो सेवा और विमान सेवाएं बंद रहने वाली हैं। लेकिन जब हम रेल सेवा कहते हैं तो ये नॉर्मल रेल सेवा होती है, यानी कि जो स्पेशल रेल सेवा है वो सभी चालू कर दी गई है। इसको लेकर बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे एक एक करके विस्तार से। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर दफ्तर के समेत फैक्ट्रियों को भी खोले जाने का यहाँ पर प्रावधान लाया गया है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ ये दोनों चीजें खुल सकेंगी। बताएंगे एक एक करके सारी डिटेल्स। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रेन, प्लेन, मेट्रो जैसा कि हमने बताया कि बंद ही रहेंगे, साथ ही साथ सिनेमा हॉल, मॉल और साथ ही बड़े बड़े दुकान जो है वो भी नहीं खुल पाएंगे। बड़ी खबर है, एक एक करके जानने वाले हैं। और साथ ही जैसा कि हमने बताया कि कौन कौन से जोन में यहाँ पर क्या क्या चीजें बंद रहने वाली है और कौन कौन सी चीजें खोल दी जाएंगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल देने वाले हैं कि क्या कोई ऐसी चीज भी है जो कि पहले बंद हुआ करती थी लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी अब उसे खोला जा रहा है, क्योंकि ये सारी डिटेल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बताएंगे पूरी डिटेल। और साथ ही यहाँ पर बता दें कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों के लिए चलेगी 6 ट्रेनें चलेंगी और श्रमिक स्पेशल ट्रेन होंगी। बता दें कि ये सभी स्पेशल ट्रेन होंगे और सरकार ने इन सभी ट्रेनों को चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर है, जिसका इंतजार यहाँ पर पूरा भारतवर्ष कर रहा था उसको अब हरी झंडी दे दी गई है। बताएंगे कि वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो श्रमिक हैं और जितने भी लोग फंस गए हैं, मजदूर लोग वगैरह, वो सब अब अपने घर लौट पाएंगे। एक एक डिटेल, कहीं ये आपका राज्य भी हो सकता है तो ये डिटेल जानना बेहद जरूरी है। और आपको बता दी कि अगर स्पेशल ट्रेन का चेन आपने गलती से भी खींचा तो आपके ऊपर हो जाएगा बेहद बड़ा एक्शन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सफर करेंगे रेलवे में तो आपको ये ट्रेन की चेन नहीं खींचनी है और दूसरे व्यक्तियों को भी एक चेन खींचने से रोकनी है। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि स्कूल खुलने का 17 मई तक इंतजार। जी हाँ, कक्षाओं का बदलेगा नजारा, अब हर कक्षा में आपको 20 ही बच्चे बैठे मिलेंगे। बड़ी खबर है, क्या कुछ आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन 3.0 में दुकानों पर शराब, पान, मसाले की होगी बिक्री। इन नियमों का पालन जरूरी है, क्या कुछ वो नियम है आपको बताएंगे एक एक करके, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल को हो गया है कोरोना, ऐसी बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी। लेकिन हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पर ऐसे कुछ फर्जी खबरें चल रही थी कि यहाँ पर केजरीवाल को कोरोना संक्रमण हो गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर केजरीवाल के विधायक को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, ना कि केजरीवाल को, और साथ ही में भाई भी यहाँ पर चपेट में आ गए हैं। पूरी डिटेल क्या कुछ निकल कर आ रही है आपको इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही बने रहना होगा आपको इस वीडियो के साथ। साथ ही बता दें कि यहाँ पर 10 से कम या फिर 65 से ज्यादा उम्र है तो आपको घर के अंदर ही रहना होगा। इसको लेकर बेहद कड़ैया कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपको थोड़ी देर में देते हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर मजदूर दिवस के अवसर पर 30 लाख श्रमिकों को सीएम योगी नाथ की सौगात, क्या कुछ वो सौगात है आपको बताएंगे कि कितने कितने रुपए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत, 162 रुपए यहाँ पर सस्ता कर दिया गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। और साथ ही बता दें कि आप घर बैठे खरीद सकेंगे फ्रीज, एसी, कूलर और कुछ कुछ यहाँ पर आपको राहत मिल गई है। वो कौन से इलाके हैं, यहाँ पर क्या कुछ आपको अपडेट निकल कर आ रही है और क्या क्या सामान आप अपने घर बैठे मंगा सकेंगे, बताएंगे आपको पूरी विस्तार से, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और साथ ही बता दें कि अदालतों में यहाँ पर अब एसी के बदले पंखों का ही उपयोग। जी हाँ, बड़ी खबर है। और शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरे भारत समेत बहुत सारे देशों में भी अब एसी का इस्तेमाल शायद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एसी भी एक जरिया है जहां से कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब बिना देर किए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यहां पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए अब बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी गृह मंत्री
मंत्रालय ने दी है और आपको बता दी कि अब 17 मई तक लॉकडाउन को यहां पर प्रभावी कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर राज्य आवागमन भी बंद रहने वाले हैं, साथ ही स्कूल कॉलेज भी यहां पर बंद रहेंगे। आपको बता दें कि यहां पर क्या कुछ अपडेट है और कौन कौन से अन्य चीजें भी बंद रहेंगी, आपको एक एक डिटेल देते हैं हम, नाम लेते जाएंगे, आप सुनते रहिए। बता दें कि यहां पर होटल, रेस्टोरेंट सहित शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्कार सेवाएं भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोह के स्थल और साथ ही साथ धार्मिक स्थल और पूजा स्थल भी बंद रहने वाले हैं। साथ ही साथ बता दें कि यहां पर गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही हो पाएगा और सख्ती से प्रबंधित रहने वाला है। हालांकि ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जो है वो जारी रहने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर दफ्तर और फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत भी दी गई है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि लोगों को यहां पर दूरी बनाकर रखनी होगी और इसके बाद ही उन फैक्ट्रियों और साथ ही दफ्तरों को काम करने की भी इजाजत मिल जाया करेगी। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि यहां पर ट्रेन को लेकर, यानी कि स्पेशल ट्रेन को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जितने भी मजदूर और जितने भी भाई लोग यहां पर फंसे हुए हैं उन सभी को अब घर पर पहुंचाने का सिलसिला चालू कर दिया गया है। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए यहां पर चलेंगी 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। सरकार ने अब फाइनली मंजूरी दे दी है। क्या कुछ खबर है आपको पूरी डिटेल यहां पर बताते हैं। बता दें कि यहां पर कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और आपको बता दें कि लॉकडाउन यहां पर 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और ऐसे में जो भी यहां पर श्रमिक भाई मजदूर फंस गए थे उन सभी के लिए एक बुरी स्थिति पैदा दिन पर दिन होती जा रही थी, लेकिन अब उन सभी के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। बता दें कि उन सभी के लिए केंद्र सरकार ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक की गई है, एक मीटिंग की गई है। मीटिंग के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे जाने की अनुमति देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। बता दें कि रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर घर से दूर हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना सुनिश्चित करने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन्स के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे राज्यों से उनकी डिमांड का पता करें, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज कल में यहां पर कई और स्पेशल ट्रेनें चालू करने की अनुमति भी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को लाने के लिए अनुमति भी दे दी है। साथ ही बता दें कि यहां पर बिहार की तरफ से कोई भी प्रकार की यहां पर अनुमति या फिर उनको वर्कर्स को वापस बुलाने की डिमांड नहीं की गई है। खैर, अगर आप बिहार जाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि आप जल्द से जल्द अपने घर स्पेशल ट्रेन में लौटना चाहते हैं, ताकि यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री आपको जल्द से जल्द वहां बुला लें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी फिलहाल के लिए कुछ ही स्पेशल ट्रेन कुछ ही राज्यों के लिए चलाई गई है। आप चाहते हैं कि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं जहां की स्पेशल ट्रेन आपके लिए नहीं चलाई गई है, या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं कि कब और किस वक्त आपके राज्य के लिए स्पेशल ट्रेन चालू कर दी गई है, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वो सारी खबरों से अपडेटेड रह सकते हैं कि यहां पर कौन सी ट्रेन किस राज्य के लिए और कब चलाई जा रही है। और साथ ही साथ लॉकडाउन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट खबरों की अपडेट भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि स्कूल खुलने का 17 मई तक इंतजार। बता दें कि कक्षाओं का बदलेगा नजारा, हर कक्षा में अब 20 बच्चे ही बैठे मिलेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपको पूरी खबर यहां पर बताते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक बेहद बड़ी तैयारी की गई है। बता दें कि कोरोना संकट काल के बाद स्कूल जब भी खुलेंगे तो यहां पर उनकी कक्षाओं का नजारा एकदम आपको अलग सा देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कक्षा में अब औसतन 40 से 45 बच्चों के बजाय आपको सिर्फ 20 ही बच्चे बैठे मिलेंगे। और साथ ही बता दें कि ये चीज आपको कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बता दें कि इस तरह बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जा सके उसके लिए यहाँ पर कैंटीन में बच्चों को जंक फूड की जगह ऐसे फूड उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो कि उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक हों। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक स्कूल कब तक बंद रहेंगे ये कहना अभी मुश्किल होगा। खैर, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि स्कूल को यहाँ पर कब चालू किया जाना चाहिए या फिर स्कूल जो है वो कब तक बंद रह सकते हैं, नीचे आप अपने उत्तर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि दुकानों पर अब शराब के साथ साथ पान मसाले की भी बिक्री हो पाएगी। बता दें कि पिछले लॉकडाउन में इसे मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार इस चीज को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन करना बेहद जरूरी है
और क्या कुछ पूरी अपडेट निकल कर आ रही है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन यानी कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में शराब की बिक्री पर अब अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू को भी बेचने की इजाजत यहां पर दे दी गई है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी और साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। साथ ही बता दें कि जो दुकानें शराब, पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करने वाली हैं कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी मेंटेन रहे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जाए। साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ न लग जाए। वहीं जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों का और साथ ही साथ कई फर्जी पोस्ट का ये कहना था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कोरोना संक्रमण हो गया है। हालांकि ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है और आपको बताते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब नेताओं तक पहुंच चुका है। करोल बाग विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि, जी हाँ, इनको कोरोना हो चुका है, यानी कि इनका जो कोरोना पॉजिटिव वो अब पाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपके विधायक के भाई भी कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधायक के परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया है और इसके अलावा विधायक और उनके भाई के संपर्क में आने वाले लोगों की भी यहाँ पर पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक कैसे संक्रमित हुए इसकी जानकारी अभी तक हमें मिल नहीं पाई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ पर 30 लाख श्रमिकों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिली है सौगात। कितने रुपए मिले हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ बैठक के बाद श्रमिकों और कामगारों को बेहद बड़ा उपहार दिया है। बता दें कि एक साथ यहाँ पर 30 लाख श्रमिकों को 300 करोड़ के यहाँ पर भरण पोषण भत्ते का उपहार दे दिया गया है। सीएम की तरफ से हर एक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए का यहाँ पर भरण पोषण भत्ता प्रदान किया गया है। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके खाते में अभी तक पैसे आए हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि 10 से कम या फिर 65 से ज्यादा उम्र है तो घर पर ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये आपकी अब मजबूरी होगी। क्या क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देते हैं। बता दें कि नई गाइडलाइंस में यहाँ पर लोगों की भलाई और सुरक्षा के कुछ उपाय बताए गए हैं। इसके तहत सभी क्षेत्र में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने को यहाँ पर कहा गया है। बता दें कि अगर बहुत जरूरी हो या फिर स्वास्थ्य परियोजनाओं से ही घर से आपको बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच एक और राहत भरी खबर मिल गई है। दरअसल यहाँ पर गैर सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर शुक्रवार से यहाँ पर 162.5 रुपए सस्ता कर दिया गया है। इस कटौती के बाद दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 581.5 रुपए ही रह जाएगी। इससे पहले आपसे यहाँ पर 744 रुपए लिए जाते थे। आपको बता दें कि ये जो कीमत घटाई गई है ये बेहद ज्यादा घटाई गई है। और आपको बता दें कि 2019 के जनवरी के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर कीमत में घाटा किया गया है, यानी कि हम सभी के लिए एक खुशखबरी की यहाँ पर खबर है। दोस्तों, अब अगली खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जो लोग यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से इस मौसम में फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे थे, उन सभी को यहाँ पर राहत भरी खबर मिल चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये अनुमति सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए ही लागू की गई है। मतलब ये है कि आप गैर जरूरी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। हालांकि इस दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा डिलीवरी बॉय को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा जाएगा। वहीं ये सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी बॉय में किसी भी तरीके से यहाँ पर कोरोना से जुड़े हुए लक्षण तो नहीं है। खैर, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपका इलाका ग्रीन है या फिर रेड है या फिर ऑरेंज जोन है, नीचे कॉमेंट कीजिए। और साथ ही बताइए कि क्या आप भी कुछ यहाँ पर मंगाने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट से। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि अदालतों में अब एसी के बदले पंखों का ही उपयोग हो सकता है क्योंकि इस पर अब समिति कर रही है विचार। क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहाँ पर शुक्रवार को कहा कि उसकी एक समिति यहाँ पर लॉकडाउन हटने के बाद परिसरों में एसी के बजाय पंखों के उपयोग पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका का यहाँ पर निस्तारण कर दिया है कि जिसमें दावा किया गया था कि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो पूरी तरीके से वातानुकूल
अनुकूलित इमारतों में कोरोना वायरस फैल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि समिति ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि हवा के लिए खुली छोड़ी जाने वाली यहाँ पर सभी खिड़कियों में जाली लगाई जाए और ताकि यहाँ पर कोई कीड़ा या फिर मच्छर अदालत की इमारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। बड़ी खबर है और आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या अगर आगे चलकर पूरे देश भर में यहाँ पर एसी हटा दिए जाते हैं या फिर एसी का प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है तो क्या ये आपके लिए एक अच्छी खबर होगी कि नहीं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइए। दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार और आज के महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर और साथ ही साथ कर दे चैनल को सब्सक्राइब। बेल के आइकन को दबाने के बाद यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।